भैया केदारनाथ मंदिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और केदारनाथ के कपाट बंद होने के लिए ना मंदिर को सजा दिया गया है पूरा फूलों से। 2 से 3 क्विंटल फूलों को लाया गया है, अलग स्टेट से अलग अलग फूलों को मंगाया गया है। कितने क्विंटल भर फूलों से ना इस केदारनाथ मंदिर को सजाया जा रहा है। इतनी लंबी लाइन है, आप देखो भैया जी, अब हल्की हल्की बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। तो भैया जी गुड मॉर्निंग। तो भैया जी कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। और भैया कल की रात ना हम लोग केदारनाथ पैदल ट्रैक करके पहुंच गए थे और इधर पास में ही ना हमने अपना कैंपिंग टेंट लेके यहीं पे रात गुजार ली थी। वैसे तो मंदिर के पास में भी बहुत सारे होटल्स थे लेकिन उनके चार्ज ना बहुत ज़्यादा वो हमसे वसूल रहे थे। और एक रात काटने का भैया मेरे को लगता नहीं 4 से 5 हज़ार रुपये देना बनता है, और वो पर हेड के हिसाब से भी चार्ज कर रहे थे। और हमको 2 रूम लेना पड़ता, 10 हज़ार का खर्चा होता, तो हमको ना मात्र 1200 रुपये का यहाँ पर कैंपिंग टेंट मिल गया। और रात को ना भाई बर्फबारी भी होती, हल्की हल्की आपको टेंटों के ऊपर दिखाई दे रही होगी हल्की हल्की बर्फ सी। तो अभी क्या है ना, अभी यहाँ का जो मौसम है, कल रात टेम्परेचर -8 तक गया था और उसके बाद तो फिर मैंने चेक किया नहीं, मैं सो गया था। और सामने देखो भाई केदारनाथ की जो केदार वैली है ना, सामने आपको हिमालय के ग्लेशियर दिख रहे हैं वो पूरे बर्फ से ढके हुए। कल तो ना पूरा कोहरा था तो इसलिए कल के ब्लॉग में कुछ आ नहीं पाया। फिलहाल आज दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से, और आज मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँगा केदारनाथ मंदिर। और केदारनाथ मंदिर के कपाट होने वाले हैं 2 से 3 दिन बाद बंद, दीपावली के अगले दिन। और केदारनाथ मंदिर कपाट बंद होने से पहले की जो प्रक्रिया होती है ना, वो कुंटल भर फूलों से उनको सजाया जाता है। बहुत सारे अलग अलग स्टेट से ना अलग अलग जो फूल्स होते हैं जो वहाँ के मतलब क्या बोलते हैं उनको, जो हर जगह के ना कोई कोई फूल प्रसिद्ध होता है, तो वहाँ से ना फूल मंगा के केदारनाथ मंदिर को बढ़िया तरीके से भव्य तरीके से सजाया जाता है। उसके बाद केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सारी प्रक्रिया भी दिखाने वाला हूँ और केदारनाथ मंदिर के दर्शन भी कराने वाला हूँ। और हमारे साथ ना, हम अकेले यहाँ नहीं सोए थे, यहाँ पे हमारे आसपास में ना बहुत सारे लोग थे जिनको ऊपर रूम नहीं मिला, और ऊपर जो रूम मिल रहे थे उनका चार्ज भी 5 से 6 हज़ार रुपये है। और पता है अभी तो ना मैं उठ के बड़े अच्छे से बोल पा रहा हूँ ना, लेकिन कल रात जब मैं टेंट के अंदर सोया हुआ था ना भाई, मत पूछो, बर्फ़ पड़ रही थी रात भर। और अभी तो फिलहाल हल्की फुल्की पिघल चुकी है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर सारे टेंटों का हालत है कैसी। देख रहे हो आप, ये देख रहे हो टेंट के ऊपर ना ऐसे बर्फ़ पड़ गई, वो बिल्कुल जम गई, ये पाला सा बन गया देखो अब। तो भैया हम लोग तो ना इस टेंट के अंदर 4 लोग बड़े आराम से आ गए थे, क्योंकि ये आपका मेरे ख्याल से 4% टेंट तो है ही, क्योंकि आपको पता है आपके भाई के पास भी 3% टेंट है। बट आजकल मैं कैंपिंग टेंट कैरी नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं 5 से 6 लोग ना, तो आपको बड़े टेंट में मिल जाएंगे, वो भी केचुआ के जो मेरे पास है। इस तरीके से 5% टेंट होता है और इसमें 7 लोग बड़े प्यार से आ जाते हैं। तो भाई मैंने कल का ब्लॉग ना एडिट कर दिया है पूरा, और यहाँ पे इंटरनेट का इतना इशू हो रहा है ना, मतलब अब क्या बताऊँ, अपलोड ही नहीं हो रही वीडियो। रात भर बैठ के वीडियो एडिट करी, और एक ब्लॉगर की लाइफ में ना बहुत टेंशन होती है यार, दिन भर ट्रैवल करके हर चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर रात को बैठ के उसे सुनना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, सुबह उठ के फिर भैया इंटरनेट का इंतजार करना पड़ता है कि वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। अब इतने ठंडे में हम मंदिर जाने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ ना अपने टेंट से काफ़ी दूर आके भैया एडिटिंग में लगा पड़ा, सॉरी अपलोडिंग में लगा पड़ा, ताकि नेट आ जाए और आप लोगों तक वीडियो पहुँच जाए। पूरे कम से कम 50-100 टेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से, और आप सभी लोगों को रोहित पहाड़ी का प्यार भरा नमस्कार। और एक काम करते हैं, सामान वामान पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से मंदिर की तरफ, और चाय पानी नाश्ता करके मंदिर के दर्शन करा के भैया आपको दिखाते हैं केदारनाथ मंदिर का भव्य दर्शन। तो भैया जी अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ से कैंप साइट से अपनी केदारनाथ मंदिर के सुबह के दर्शन के लिए। और सच में यार यहाँ आके ना मतलब पूरा मूड ही फ्रेश हो जाता है सच, मतलब मैं अभी तक पूरे 3-4 महीने से कितना घूम रहा था ना, लेकिन केदारनाथ में एक रात गुजारने के बाद ना पूरा मन शांत हो जाता है बढ़िया तरीके से। तो अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो पहले से होटल बुक कर लेना, या फिर आप भी केदारनाथ से 1-2 किलोमीटर नीचे आके कैंप साइड है वहाँ आके ले लेना, ठीक है। तो भैया इस टाइम पर ना आप केदारनाथ में ना बहुत सारा काम चल रहा है, और जो पुराना वाला पुल था ना केदारनाथ का, जहाँ से लोग आते थे वो था उस साइड से था, तो वहाँ से आजकल बंद करके ना ये वाला एक नया रूट निकाला गया है। फिलहाल जब तक ना काम कंप्लीट नहीं रहता, क्योंकि ना आज से पहले ऐसा बोलते हैं, मुझे भी शायद कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है नहीं है कि आपका जो ये मंदिर है ना ये स्टेट गवर्नमेंट के पास था या फिर यहाँ के लोगों के मतलब जो भी होता है अब, लेकिन ये सरकार के पास है। तो अब यहाँ ना बहुत सारी बिल्डिंगें तोड़ के दोबारा उसमें सरकारी बिल्डिंगें बन रही हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में ना श्रद्धालुओं को बहुत सारी दिक्कतें ना हों। तो इस तरीके से सरकार का पूरा काम चल रहा है हर तरीके से, ताकि यहाँ पे ना आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ना, कि आपको दिख रही बिल्डिंग है वैसी कम से कम 10 से 20 बिल्डिंगें बन जाएंगी। तो अभी दिक्कतें आपका रूम को लेके हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेके हो रही है ना, आगे जाके शायद ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी जब सरकार के पास पूरा अंडर में सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। भैया जी मैं अपने कैंपिंग टेंट से पैदल पैदल पहुँच गया हूँ केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में। और भैया कल शाम आपने जब मंदिर देखा था ना, तो वो मंदिर के नज़ारे कुछ अलग थे, और अभी इसमें आप देखो कितना सारा फूलों से लद गया मंदिर। अभी और मंदिर को ना सजाने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि कपाट बंद होने में ना अभी भी आपके
2 से 3 दिन है, क्योंकि दीपावली के अगले दिन कपाट बंद होंगे, उससे पहले ना इस पूरे मंदिर को ना भाई पूरे फूलों से सजा देंगे। और इस मंदिर को ना फूलों से सजाने के लिए 2 से 3 क्विंटल फूलों को लाया गया है, और इंडिया के अलग अलग स्टेट से अलग अलग फूलों को मंगाया गया है। तो भाई जी पिछली बार जब ना मैं आपका केदारनाथ आया था ना, तो इस बार के केदारनाथ और पिछली बार के केदारनाथ में बहुत सारे चेंज भी हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से। तो भाई आपको ना पहले केदारनाथ मंदिर के ना सामने प्रांगण में इस तरीके से एक गेट बना हुआ नहीं था, लेकिन इस बार ना आपका मंदिर प्रांगण के बिल्कुल ठीक सामने ना एक गेट बना दिया गया और घंटा लटका दिया गया। अगर आपने आपदा से पहले का मंदिर देखा होगा ना, तो बिल्कुल इसी प्रकार से वो मंदिर था। मंदिर के दरवाजे के पास में इस तरीके से पूरा एक गेट बना हुआ था, इसमें घंटा लटका हुआ था। तो अगर आपको केदारनाथ में मंदिर में सुबह के समय दर्शन करने हैं ना, तो आपको सुबह 3, 3:30 या 4 बजे से लाइन पर लगना पड़ेगा, वरना आपको ना घंटों घंटों पर लाइन पर लगा रहना पड़ेगा। इस तरीके से जो लाइन लगी हुई है ना, आप देख रहे हो इतने सारे श्रद्धालुओं की, ये नीचे कम से कम आपका 700 से 800 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है। और इसलिए क्योंकि रास्ता ना पीछे पुल ब्रेक हो गया था, वरना भाई पिछली बार तो ये लाइन ना 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी लग चुकी थी, घोड़ा पड़ाव तक लाइन लगी हुई थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हैं, तो आपको पहले सुबह 3:30-4 बजे यहाँ पे टाइम पे आना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप टाइम पे दर्शन कर पाओगे। भाई मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइन कितनी लंबी लगी हुई है सारे श्रद्धालुओं की। ये देखो आप, ये जो पूरा एक ट्रैक है ना आपका, जहाँ से केदारनाथ मंदिर दिखाई देता है, वहीं से आपकी लाइन की शुरुआत हो गई है। इस तरीके से लाइन को ना ऐसे घुमा घुमा के ले जाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है यार कि केदारनाथ को लेके जो क्रेज़ है, लोगों के अंदर जो श्रद्धा है वो अलग ही है। और इस टाइम पे ना केदारनाथ के कपाट ही बंद होने वाले हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि दीपावली के अगले दिन ना कपाट बंद हो जाएंगे। तो उस हिसाब से भी ना आपका जो व्यवस्था है उसका भी इंतजाम कर रहा है, सुरक्षा जो व्यवस्था होती है ना उसका भी इंतजाम, तैयारियाँ शुरू हो गई यहाँ पर। और भैया कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं दिखा रहा था आपको फूलों किस तरीके से लोग सजा रहे हैं, और आज भी ना कंटिन्यू मतलब 2 दिन से लोग लगे पड़े हैं इस केदारनाथ मंदिर को ना सजाने में, और अभी भी ना मंदिर की सजावट पूरी नहीं हुई है, सारे फूल वाले ना अभी भी कंटिन्यू लगे पड़े हैं, और आज शाम तक या कल तक भी ना ये मंदिर को अच्छे तरीके पूरा सजा देंगे। और भैया मंदिर के ना बिल्कुल ठीक सामने आपके नंदी महाराज विराजमान है, और जितने भी महादेव के मंदिर होते हैं ना उनके सबके सामने नंदी महाराज हमेशा बिल्कुल शिवलिंग के बिल्कुल ठीक सीध में ना विराजमान रहते हैं, और सारे लोग सबसे पहले नंदी महाराज की पूजा करते हैं, उसके बाद जाके मंदिर के दर्शन करते हैं। और ऐसा ही बोलते हैं कि नंदी महाराज के कान में अपनी बात बोलने से आपकी मनोकामनाएँ भी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि नंदी महाराज महादेव के मतलब एक ऐसे परम भक्तम होते हैं कि वो आपकी बात को महादेव तक पहुँचाते हैं। तो भैया जी अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ उस जगह पर जब यहाँ पे 2013 में आपदा आई थी, और उस टाइम पे ना यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो गया था, सब कुछ बह गया था। उसके बाद भी ना ये जो आपका केदारनाथ जो मंदिर है ना, इसमें बिल्कुल टस से मस आँच भी नहीं आई थी। वो किस वजह से नहीं आई थी, वो कौन सा ऐसा भाग्यशाली पत्थर था, वो कौन सा ऐसा चमत्कारी पत्थर था जिसको भगवान भीम के रूप में आज पूजा जाता है, उसका आज नाम भी ना भीम शिला रख दिया गया है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अब उस पत्थर के पास, भीम शिला के पास, जिसकी वजह से भैया आज आप केदारनाथ आते हैं, और जिसकी वजह से ना आपका पानी का सारा बहाव ना केदारनाथ मंदिर के इधर और उधर हो गया, और मंदिर के ऊपर ना कोई टस से मस भी नहीं हुआ। भैया जी ये है वो आपका भीम शिला, अभी मैं आपको इसको एक साइड से दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको ना ये थोड़ा छोटा लग रहा होगा। और इसके बिल्कुल ठीक सामने है आपका केदारनाथ मंदिर, और उधर आपका जोराबाड़ी जो कहते हैं ग्लेशियर पिघल के आया था, आपको दिखाई दे रहा है आपका कहते हैं नाला टाइप का, वहाँ से वो पिघल कर आया था, और इस पत्थर की ओट लगने की वजह से ना मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ था। तो भैया ये है आपकी भीम शिला, और इसके बिल्कुल ठीक पीछे आपको केदारनाथ महादेव का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। भैया जिस प्रकार ना आज केदारनाथ मंदिर की पूजा होती ना, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार ना आज इस पत्थर की भी पूजा की जाती है। इसी को महादेव का दूसरा रूप भी बोलते हैं, और इसी को भगवान भीम के रूप से भी जाना जाता है। और भैया आपका जो भीमशिला है आपका ठीक सामने, इसके ना बिल्कुल ठीक पीछे पिछले साल आपका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आपका मंदिर का बोलते हैं या एक मूर्ति का कहते हैं अनावरण किया था, जिसे बोलते हैं शंकराचार्य की मूर्ति। वो है आपका मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे वाले रास्ते पे, यहाँ पे ना आपका, और उनको योग गुरु भी बोलते हैं। उन्होंने ही भैया सारे धामों का निर्माण किया है पूरे भारत पूरे विश्व में। तो अब आपको लेके चलता हूँ मैं शंकराचार्य जी की मूर्ति के पास। मैं आपका पहुँच गया शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थल है उसके पास में, और यहाँ से ना आपको शंकराचार्य जी की समाधि स्थल के दर्शन हो जाते हैं। और पिछले साल ही नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया था। और इसके बारे में जो कहते हैं न्यूज़ है, जो अपडेट है, जो पुराने तथ्य है ना, वो ये कहते हैं कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ना यहाँ पूरा बर्फ से ढका हुआ था, और जिसकी वजह से जो इनका समाधि स्थल है ना पूरा ढका हुआ पड़ा था। जब 17वीं शताब्दी के बाद जब बर्फ यहाँ से हटी और कम हुई ना, उसके बाद जाके शंकराचार्य जी का समाधि स्थल के बारे में सबको पता चला। और पिछले ही साल भैया इसका क्या कहते हैं समाधि स्थल का बढ़िया सी मूर्ति बना के अनावरण भी कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। और इसका जो डिज़ाइन है ना बिल्कुल एकदम से डिफरेंट तरीके का बनाया है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से गोल गोल चक्कर टाइप का बनाया हुआ है, और ऐसे ही जाने का रास्ता भी है इसके अंदर। और इसके अंदर पहुंचने के बाद अपना बिल्कुल मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। तो भैया जी ये है आपका आदि गुरु शंकराचार्य जी का मूर्ति, जिसका पिछले साल ही अनावरण किया गया है। ये थी आपकी शंकराचार्य जी की मूर्ति, जिसका मैंने छोटा सा वीडियो आपको दिखाया। और ये जो मूर्ति बनी है ये कृष्ण शिला के पत्थरों से बनी हुई है, और इसका जो वजन है ना वो 35 टन है। तो अब चलते हैं मंदिर के दूसरे भाग की तरफ, और कुछ और अगर दिखाने और जानने के लिए होगा ना वो भी आप तक पहुँचाएंगे आपके रोहित पहाड़ी भैया जी। अब हल्की हल्की बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है आपका केदारनाथ में, और अभी मैं सुबह ना मौसम का वो देख रहा था, तो बता रहे थे कि आज दिन में बर्फबारी होगी और बर्फबारी शुरू भी हो गई है। अभी हल्की हल्की दिखाई दे रही है, थोड़ी देर बाद ना ये बादल पूरे वैली में फैल जाएंगे, तो फिर भाई केदारनाथ ना पूरी बर्फ से ढक जाएगा, ऐसा बोला है आज शाम तक। तो भैया मंदिर के ना पूरे भव्य दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं, अब लगे भैया बढ़िया वाली भूख। तो भैया यहीं पर ना पास में एक भंडारा चल रहा है, तो उधर चलते हैं, सब लोग वहीं जा रहे हैं, और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जाओ भंडारा खा के आ जाओ, तो वहीं चलते हैं भंडारा खाते हैं। और जब भी मैं 3 बार अभी तक आया हूँ ना केदारनाथ, मेरे को हमेशा ही भंडारा मिला है, और यहाँ पे भंडारे का महत्व ना एक यज्ञ के बराबर होता है बोलते हैं। मंदिर के दर्शन वर्शन करके हम लोग आ गए, और यहाँ पे ना एक भंडारा चल रहा है कुछ इस तरीके से, तो भंडारे का प्रसाद लेते हैं और फिर हम निकलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ गौरी कुंड की तरफ। तो भैया इस प्रकार से ना हर जगह से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए ना यहाँ पे भंडारे की उचित व्यवस्था रहती है, और हर साल ही रहता है, ऐसा नहीं कि इस बार कुछ अलग हो रहा है। मैं आपको बता रहा था ना कि मतलब कितनी लंबी लाइन लगी, मैं मंदिर से कम से कम नहीं भी तो 100 से 200 मीटर नीचे आ गया हूँ, और लाइन देखो आप कंटिन्यू किस तरीके से सारे श्रद्धालु अभी भी लाइन पे लगे पड़े हैं। और हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाइन ना कम से कम 700 से 800 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है अभी केदारनाथ में। और भंडारा भंडारा खाने के बाद ना, और मंदिर के पूरे दर्शन करने के बाद, अब हम लोग केदारनाथ से निकल रहे हैं नीचे गौरीकुंड की तरफ। और आते टाइम तो हमको 9 से 10 घंटे लग गए थे पूरे पूरे, और जाते टाइम शायद 2-2.5 घंटा लगेगा। तो हाँ आप भी मिले हमको रास्ते में, और ऐसे ही बहुत सारे लोग ना रास्ते में बहुत मिले, तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बस ऐसा 2-2.5 घंटे में पहुंच जाए नीचे गौरीकुंड, फिर फटाफट से अपनी बाइक पकड़ते हैं, और आज कहां तक पहुंच पाते हैं, नैनीताल पहुंचते हैं या फिर रास्ते में कहीं रुकना पड़ता है, वो तो भैया आधे ही पता चलेगा। तो भैया जी ऐसा है ना, मैं अभी आपका ऊपर केदारनाथ से कम हम 7 से 8 किलोमीटर नीचे आ गया हूँ, और मेरे साथ के सारे बंदे आगे निकल गए, और पता है बारिश ना बहुत खतरनाक वाली हुई रास्ते में, 2 घंटा तो बारिश में बैठे रह गए हम लोग। तो कुछ भाई लोग मिले मुझे, तो इनके साथ चल रहा हूँ मैं अभी फिलहाल अभी, और अब बस यहाँ से आधा 1 घंटे का सफ़र हो रहा है, गौरीकुंड पहुँचता हूँ फटाफट से, और फिर हमारी गाड़ी आज कहाँ जाएगी, आज के रोहित पहाड़ी की पता नहीं मैं कहाँ पहुँचूंगा। मैं प्लान तो था मेरा कर्णप्रयाग का, गैरसैंड का, बट मुझे लगता नहीं कि मैं कर्णप्रयाग पहुँच पाऊँगा, क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं मुझे अभी बारिश की वजह से। ठीक है, तो चलते हैं और निकलते सीधे गौरीकुंड की तरफ को।